Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great job. So yeah, I'm also good. So today's in this video I'm sharing some skin care process. मतलब जब हम सुबह उठते हैं और नहाने से पहले हम जो कुछ स्किन केयर करते हैं छोटा मोटा, वो हम आज शेयर कर रहे हैं. क्योंकि नहीं, ये फेशियल कह सकते हैं इसको नॉर्मली समर स्किन, मतलब समर हैक्स बोल सकते हैं कि कैसे समर में आप नहाने से पहले थोड़ी बहुत पैम्परिंग करें, अपनी स्किन की टेक केयर करें. एंड यस, सो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रब. एंड स्क्रब में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एवरग्रीन का. ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है. सो यस, एंड इससे पहले मैं गुड वाइब्स का जेल स्क्रब यूज़ करती थी. एंड आपने सुना ही होगा, मैंने कितनी बार आपको बताया होगा. एंड दूसरा मेरा सबसे अच्छा स्क्रब है एवरग्रीन का, काफ़ी अच्छा है. एंड स्क्रब मैं सिर्फ अपने नोज एरिया और अपने चीक एरियाज पे करती हूँ, जहाँ पे पोर्स हैं मेरे, ओपन पोर्स, क्योंकि यहीं पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स घुसे हुए होते हैं. तो अच्छे से स्क्रब करो, यहाँ से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव कर लो. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू योर लिप्स. जब भी आप अपने स्किन केयर करो तो लिप्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना है. तो जब आप अपने स्किन की, मतलब फेस पर से ब्लैक हेड्स रिमूव कर लो, स्क्रब कर लो, तो आप ध्यान रखें कि अपनी लिप्स की भी थोड़ी बहुत केयर कर लो. थोड़ी बहुत केयर आपको कैसे करनी है, लिप बाम लगाइए, लेकिन सबसे पहले आप स्क्रब कीजिए. एंड ज़रूरी नहीं है कि लिप्स स्क्रब हो, आप फेस वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे लगाने का, उस स्क्रब को यूज़ करने का अपने लिप्स पर उसका थोड़ा सा तरीका है कि बहुत ही लाइट, आपको हाथों के जो मोशन है बहुत लाइट रखनी है, ताकि आपको मतलब रेडनेस वगैरह ना हो आपके लिप्स पर. एंड भी बहुत अच्छा है ना, इससे आपके लिप्स प्लम्पी भी दिखते हैं. एंड सो या मैंने वैसे कभी भी कोई अदर लिप्स के लिए अदर ये स्क्रब यूज़ नहीं किया है, मैं एवर यूज़ का ही लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रहता है. एंड ऑल्सो गाइज, इतनी सारी इसके मतलब वीडियो मेरे से डिलीट हो चुकी है ना, बहुत सारे और थे मेरे पास डिटेल्स जो मुझे ऐड करनी थी, बट मेरे पास वो डिलीट हो गई. तो मैं कैसे अपना फेस क्रीम, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो सारी मैंने क्लिक की थी, ऐड की थी, पर वो रिमूव हो गई सारी मुझसे, पता नहीं क्यों. तो ऑयल शैम्पू में जब भी आप, मतलब शैम्पू जब भी करो आप, तो उसमें पानी मिलाओ और अच्छे से मिक्स कर लो, एंड तब आप उससे हेयर वॉश करो. हेयर वॉश करने के बाद अपने हेयर पर कुछ जेल वगैरह ज़रूर लगाओ, अगर आपको ऑयल नहीं लगाना अच्छा लगता. डेली तो ऑयल कोई नहीं लगाता, एंड ऑलमोस्ट गर्ल्स को डेली हेयर ऑयल लगाना पसंद भी नहीं है. तो आप एलोवेरा जेल लगाइए, ताकि जो ड्राइनेस ना रहे आपके स्किन. सो या एंड ऑल्सो अपने फेस पर भी लगा लीजिए. तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है. बिफोर बाथिंग आप कैसे स्किन केयर करें, कैसे हेयर केयर करें, जो कि डेली का प्रोसेस होता है स्क्रब छोड़ के. इस तरह से अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लें. तो मैं नीम का वुडन कॉम यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि इससे हेयर फॉल्स जो हमारे होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होते हैं. बट इस मौसम में, मई में एंड जून में, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए. तो ये दो तीन महीने ऐसे होते हैं इसमें हेयर फॉल होने ही होने हैं. तो इसीलिए इस मौसम में, इस महीनों में आपको अच्छे से स्किन केयर, हेयर केयर करनी ही चाहिए. एंड मैंने ना गुलाब जल का, ये रोज़ क्ले का मैंने ना फेस पैक भी बनाया था, ये वीडियो भी मेरी डिलीट हो गई, पता नहीं कहाँ गई. सो यस, तो मैंने ना यहाँ पे बस रिमूव करके दिखा दिया. ये गुड वाइब्स का रोज़ क्ले था, जो जिसमें मैंने ना गुलाब जल मिक्स करके ऐड किया था, एंड उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया.